एक सुंदर सा बुलबुल कबूतर के आम का एक बाग था। बुलबुल कबूतर के बाग से हर दिन आम चोरी हो जाती थी। इस कारण बुलबुल कबूतर बहुत परेशान होने लगी। तभी बुलबुल कबूतर सोचती है अपने आप से, मैंने कभी किसी पक्षी को अपने बाग से आम खाने से नहीं रोका। फिर वो कौन है जो मेरा बाग से आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दे रहा है? मुझे तो उस चोर को पकड़ना ही होगा। अगर ऐसा चलता रहा, वो चोर मेरा बाग को खाली कर देगा। अभी मुझे जाना होगा देखने, वो चोर कौन है। ऐसा सोचकर बुलबुल कबूतर उड़ते उड़ते अपने बाग में जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। बुलबुल कबूतर अभी तुरंत अपने बाग में आई थी, तभी उधर से मुनमुन कौवी उड़ते उड़ते हर रोज की तरह आती और एक आम के पेड़ पर बैठ जाती और इधर उधर देखती है। फिर बोलती है मुनमुन कौवी, लगता है चला गया है आम का रखवाला। आज तो मैं आम सारे तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक दूंगी। मुझे तो बहुत मजा आएगा ये आम तोड़ कर नीचे फेंकने में। ऐसा कहकर मुनमुन कौवी आम तोड़कर नीचे फेंकने लगती है। ये सब देखकर बुलबुल कबूतर कहती है, अच्छा, तो ये है मुनमुन कवि जो मेरा सारा आम तोड़कर नीचे फेंकती है और मेरा बाग को बर्बाद करना चाहती है। अब तो मैं इसे अच्छे से सबक सिखा कर ही रहूंगी और पूरी जिंदगी भर याद रखेगी। फिर ये कभी भी मेरे बाग में नहीं आएगी। ऐसा कहकर फिर बुलबुल कबूतर उड़ते उड़ते मुनमुन कौवी के पास आती है। फिर बोलती है, तुम हो वो चोर जो मेरे आम को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकती हो। आज तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फल को किस तरह से बर्बाद किया जाता है तुम पूरी जिंदगी भर याद रखोगी। जलनखोर मुनमुन कवि, तुम मेरे आम को बर्बाद करना चाहती हो और मेरे बाग को। इतना बोलकर बुलबुल कबूतर अपने चोंच से मुनमुन कौवी को मारने लगती है। फिर कहती है मुनमुन, बस कर बुलबुल बहन, अब से नहीं ये गलती नहीं करूंगी। अब से नहीं आम तोड़ कर नहीं नीचे फेंकूंगी। मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बुलबुल बहन, मुझे मत मारो। तुझे माफ कर दूं? ये फल बर्बाद करने से एक बार भी नहीं सोची। ये फल खाने के लिए होता है कि बर्बाद करने के लिए? बदमाश, तुझे इतने भी अक्ल नहीं है। ये फल खाने के लिए होता है और ऊपर से बोल रही है मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी, समझे तुम? बदमाश मुनमुन कवि, मेरे पाप को बर्बाद करना चाहती हो तुम। फिर बुलबुल कबूतर गुस्से से मुनमुन कवि को एक पेड़ में बांध देती है। फिर डंडे लाकर मुनमुन कवि को पिटाई करने लगती है। फिर कहती है मुनमुन कवि, बुलबुल बहन, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। मैंने बोला ना, हमसे गलती हो गई, बस मैं तो ऐसे शरारत कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बुलबुल बहन। बुलबुल कबूतर मुनमुन कवि को मार रही थी, तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। फिर कहती है बुलबुल कबूतर, अच्छा हुआ कालू कौवा तुम यहाँ पर आ गए। जरा पूछो तो अपनी पत्नी से, ये मेरे बाग में आकर चुपके से आम चोरी करके तोड़कर इसे नीचे फेंक देती है। और ये बताओ तो तुम, आम खाने के लिए होता है कि नीचे तोड़कर फेंकने के लिए? अपनी पत्नी को तुम अच्छी तरह से समझा दो, वरना ठीक नहीं होगा। बुलबुल बहन, इसे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था ये चोरी करती हुई पकड़ी गई है। वो तो मुझे मीठू तोता ने बताया। इसे माफ कर दो, फिर ये दोबारा तुम्हारे बाग में कभी भी नहीं आएगी। इसे माफ कर दो। फिर कबूतर मुनमुन कवि को छोड़ देती है। फिर कालू कौवा मुनमुन कवि को लेकर वहां से दूसरे जंगल में चला जाता है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। फिर कहती है मुनमुन कवि, कालू जी, कबूतर बहन ने मुझे बहुत मारा है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं तो उस जल्लाद को नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत मारा है ना, अच्छे से मैं उसे सबक सिखा के रहूंगी। तुम ऐसा शरारत क्यों करती हो? कबूतर बहन तो आम खाने से किसी को नहीं रोका है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया?